हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोगों के साथ हम बात करने वाले हैं इंसुलेटेड स्टेनलेस स्टील के कैसेरोल्स की। यहाँ पे दो ब्रांड के कैसेरोल आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। एक तरफ है मिल्टन का कैसेरोल जो कि स्टेनलेस स्टील इंसुलेटेड कैसेरोल आता है, और एक है बोरोसिल का इडली सर्वर जो कि अलग अलग बहुत सारे साइजेस में आते हैं। तो आज इसके बारे में अच्छी बातें भी करेंगे, बुरी बातें भी करेंगे, क्योंकि काफी पॉपुलर है ये और लोग जब स्टील के कैसेरोल लेते हैं तो वो सब चीजें ध्यान में नहीं रखते जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा अगर आप अच्छा स्टेनलेस स्टील का कैसेरोल लेना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मॉलेस्ट साइज के कैसेरोल की जो बोरोसिल हमें ऑफर करता है इडली सर्वर के नाम से। यहां पे ये कैसेरोल काफी अच्छा बेहतर क्वालिटी का है और साथ ही साथ अच्छी क्वालिटी की स्टील यूज की गई है, बोरोसिल का भरोसा भी है। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं जैसे कि कैसेरोल के इनर सरफेस की बात करते हैं तो बिल्कुल जॉइंटलेस है, तो अंदर कोई भी चीज हम रखते हैं वो अच्छी तरीके से रहेगी और साथ ही साथ जब उसको हम निकाल लेते हैं तब क्लीन करते टाइम पे भी काफी आसानी रहेगी। अब यहां पे ये वाले कैसेरोल की साइड से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग है, नीचे से भी अगर बेस की बात करते हैं अच्छी फिनिशिंग है, और यहां पे भी मेरे को कोई डाउट नहीं है। यहां पे जो दो इस टाइप की जो रिपीट शेप की लगी हुई है इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि अच्छी फिनिशिंग दी हुई है, और नीचे की तरफ से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग है। मतलब मैं कह सकता हूं अगर बेस की बात करूं तो मैं 10 out of 10 दूंगा, क्योंकि शेप साइज डिजाइन एक बेहतर क्वालिटी का दिया है। और यहां पे आपको बोरोसिल का इडली सर्वर 900 ml से लेके 5 लीटर तक का मिलता है अलग अलग साइजेस का। मगर अगर लिड की बात करते हैं तो यहाँ पे लिड में नीचे की तरफ से तो मुझे ठीक है, कंफर्टेबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इजीली ये वाला पोर्शन इसमें इजीली लॉक हो जाता है, कोई इशू यहाँ पे मेरे को फेस नहीं करना पड़ता। मगर यहाँ पे अगर लुक की बात करते हैं तो दो चीजें थोड़ी सी खटकती हैं। यहाँ पे देखिए इस टाइप से इन्होंने ये वेल्डिंग के निशान है तीन और या दोनों तरफ जो कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है देखने में। और यहाँ पे नीचे की तरफ बात करते हैं तो जब भी हम इसको पकड़ते हैं तो जैसे कि ऊपर की तरफ से बिल्कुल प्लेन है, नीचे की तरफ से हो सकता है कि ये वाले पोर्शन का जॉइंट जो कि हमें जरा सा हाथों में चुभता है। तो बस ये दो चीजें ऐसी मुझे लगी इन कैसेरोल में जो मुझे लगा है अगर हम इग्नोर करें तो कैसेरोल काफी अच्छी क्वालिटी का है और मुझे लगता है कि एक बेहतर चॉइस भी होगी। और प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा इन्होंने दे नहीं रखा है, अच्छे खासे डिस्काउंट इसमें चल रहा है जिसका मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो अगर आप बोरोसिल का कैसेरोल खरीदना चाहते हैं ये सब चीजें जानने के बाद तो आप वहां से एक अच्छे डिस्काउंट में परचेज कर सकते हैं। ये वाला जो कैसेरोल है ये 900 ml का है जो कि स्मॉल साइज का कैसेरोल है। काफी ज्यादा लोग इतने बड़े साइज का कैसेरोल लेना चाहते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूज है इतने छोटे कैसेरोल का। अगर हम बात कर लेते हैं इसके बाद 1.2 लीटर के कैसेरोल की जो कि मिल्टन भी 1 लीटर ऑफर करता है, तो ये वाला कैसेरोल जो है ये मुझे काफी ज्यादा कह सकते हैं छिछला लगता है। मतलब कि बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है इस कैसेरोल की, बहुत कम डेप्थ वाला अगर आप कैसेरोल लेना चाहते हैं तो यहां पे ये आपका बोरोसिल का इडली सर्वर 1.2 लीटर में आपको मिल जाता है जो कि वही सीमलेस फिनिशिंग के साथ आता है। वही नीचे से फिनिशिंग में कोई डाउट नहीं है, एक बेहतर क्वालिटी का है और साथ ही साथ यहां पे आपको बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं मिलती है 1.2 लीटर में। बस वही चीजें हैं इस वाले कैसेरोल में भी हमें वही चीज फेस करनी पड़ती है, थोड़ा सा देखने में यहां पे ये जो ये वाले निशान लगे, मगर मैं आपको बताऊं ये जो निशान लगे हुए ये काफी ज्यादा मजबूत बना देते हैं इसके हैंडल्स को। तो वही चीज अगर आप प्रैक्टिकल टर्म्स में देखा जाए तो ये दोनों ही चीजें इग्नोर की जा सकती हैं। बस ये है कि अगर बोरोसिल थोड़ा सा इंप्रूवमेंट इसकी लुक्स में कर दे तो मैं कह सकता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट कैसेरोल ऑफर्ड होगा स्टेनलेस स्टील में ये बोरोसिल का 1.2 लीटर। जरा सा इसको ओपन और क्लोज करके भी दिखा देता हूं। यहां पे देखिए कागज दी होगी, ये कगर आप देख रहे होंगे, बस इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे और इस तरीके से इसको लॉक कर देंगे तो काफी ज्यादा बेहतर मुझे लगी इसकी फिनिशिंग भी, और प्राइसिंग भी काफी जेन्युइन दी हुई है। मतलब बहुत ज्यादा महंगा कैसेरोल नहीं है, इसकी प्राइसिंग जब आप लिंक में जाके देखेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको खरीद लेना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी प्राइसिंग भी दिया हुआ है। मगर वहीं पर अगर हम बात करते हैं मिल्टन की तो मिल्टन का 1 लीटर कैसेरोल ऑब्वियस सी बात है कि लोगों का सबसे ज्यादा मनपसंद है, वही चीज है। अब मिल्टन ने यहाँ पे ये चीज जो ऊपर लिड की जो फिनिशिंग की मैं बात कर रहा था, अब यहाँ पे मिल्टन ने वहीं पर बिल्कुल बहुत अच्छी फिनिशिंग भाई देखिए, अब यहां पे मिल्टन ने इस टाइप की रिपीट्स दे दी हैं जो कि बोरोसिल भी दे सकता था, तो ये चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी। और नीचे की तरफ से इसका जो हैंडल दिया हुआ है, ये वाला जो हैंडल दिया हुआ है ये भी बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से हमारे लिए ग्रिपिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो ये वाला मुझे लगा कि लिड में मैं इसको ज्यादा बेहतर मानता हूं और देखने में ही लगता है कि काफी अच्छा इंसुलेशन इसमें दे रखा है इन लोगों ने, तो इंसुलेशन मुझे लगा कि मिल्टन के लिड का ज्यादा बेहतर है। मगर अभी यहां पे गेम खत्म नहीं होता है, यहां पे अभी बात शुरू हुई
लिए। अब बात करते हैं बेस की, जिसमें हम अपना फूड मटेरियल रखेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि बेस की बात करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल सीमलेस फिनिशिंग है और यहाँ पे वही सेम फिनिशिंग के साथ है। मगर एक चीज मुझे बड़ी अटपटी लगी जो मिल्टन ने यहाँ पे ये कर रखा है। अब यहाँ पे जो ये वाला जो पोर्शन है ना, जरा ध्यान से दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला जो पोर्शन है ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, क्योंकि अब यहाँ पे कभी अगर दिक्कत हुई या फिनिशिंग गड़बड़ हुई तो हाथ तक कट सकता है। तो ये चीज मुझे लगी थोड़ी सी एक डाउटफुल लगी, जो कि मिल्टन को यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए। और बस ये चीज है कि अगर आप कभी भी कैसरोल लेते हैं मिल्टन का ये वाला, तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिए कि ये चीज हाथ में लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ा दिक्कतदायी हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और यही चीज इन्होंने जो बोरोसिल है उन्होंने बहुत अच्छी कर रखी है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपके सामने दिखा भी देता हूँ। ये देखिए ये वाला जो कैसरोल है मिल्टन का है और ये वाला जो कैसरोल है बोरोसिल का है। तो यहाँ पे ये देखिए, अब फिनिशिंग में आपको यहाँ पे डिफरेंस नीचे की तरफ दिख रहा होगा, ये चीज मेंशन करनी जरूरी भी थी। तो मिल्टन का जो ये वाला कैसरोल है 1 लीटर के आसपास का है और इसकी भी फिनिशिंग क्वालिटी वही सिमिलर बोरोसिल जैसी है, बस लिड की क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर लग रही है बोरोसिल से, क्योंकि इन्होंने वही सब चीजें जो मैं चाह रहा था कि इंप्रूवमेंट बोरोसिल में मिले वो नहीं है, मगर वही वाली बात है कि बोरोसिल की क्वालिटी अच्छी है और साथ ही साथ मुझे लगता है कि मिल्टन के साथ कंपटीशन कर सकता है, बस अपने लिड में थोड़ा सा ध्यान दे दे। हालांकि अच्छी क्वालिटी सर्व करेंगे तो लोग जरूर खरीदेंगे। तो यहाँ पे मिल्टन में ये वाला जो कैसरोल था ये 1 लीटर की है और ये वाला सेट भी आता है मिल्टन में, जैसे कि 1 लीटर और उसके बाद ये वाले साइज और ये दोनों साइज आते हैं 2.5 लीटर तक आते हैं। तो यहाँ पे 1 लीटर है, 1500 ml है, 2.5 लीटर है, तो यहाँ पे ये तीनों साइजेस काफी अच्छी क्वालिटी में है। अब एक एक करके मैं आपको बता दूं, मगर उससे पहले मैं बताऊं कि जैसे बोरोसिल में मैंने आपको दो कैसरोल बताए थे, एक बताया था 900 ml, एक बताया था 1.2 लीटर का। मगर यहां पे अगर हम बात कर लेते हैं जब आते हैं 2 लीटर कैसरोल में, तो वहीं पे बोरोसिल का गेम बिल्कुल अलग हो जाता है। यहां पे ये देने लगता है डीप कैसरोल, मतलब बहुत ज्यादा डायामीटर नहीं बढ़ाता है, इन्होंने दे दिया है डीप कैसरोल, मतलब कि लगभग डायामीटर लगभग सेम ही रखा है इन्होंने 1.2 लीटर का, मगर इन्होंने डेप्थ बढ़ा दी है, जो कि मुझे काफी अच्छी अट्रैक्टिव लगी। और ऑब्वियस ही बात है कि अगर मैं कह सकूं तो यहां पे जो नीचे का बेस बोरोसिल ने दिया है काफी क्लीन फिनिशिंग के साथ दिया है, बस वही है कि जो लिड इन्होंने दे रखी है तो लिड में मजबूत बनाने के लिए इन्होंने ऑब्वियस याद है, बेशक बात है कि लोगों को मजबूत भी चाहिए तो उसके लिए इन्होंने ये चीज दी है। अगर इसका कोई और अल्टरनेटिव निकल सकता था तो ये कैसरोल मैं कह सकता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन था लोगों के परचेस करने के लिए, बट अभी भी ये बेस्ट ऑप्शन ही है, ऐसा कोई इसमें ऐसा मुझे डाउट नहीं लग रहा कि क्वालिटी को लेके, बस ये है कि इंसुलेशन और बेहतर हो सकता था लिड का और क्वालिटी भी और ज्यादा इंप्रूव हो सकती थी लिड की। तो बस यही है कि बेस में मुझे कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, देखने में थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव लगता है ऊपर का बेस, बट अगर स्टील की बात करी जाए तो ऑब्वियस ही बात है कि बहुत अच्छी बेहतर क्वालिटी की स्टील है। अब साइजेस कौन कौन से अवेलेबल होते हैं वो भी मैं बता दूं, जैसे कि अगर यहां पर हम मिल्टन की बात करते हैं तो मिल्टन में लगभग यह वाले कैसरोल आपको 10 लीटर कैपेसिटी तक मिलते हैं। तो इन जितने साइजेस मिल्टन में आते हैं सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, उसमें प्राइस और साथ ही साथ डिस्काउंट जरूर देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं इसमें गैलेक्सिया में बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता है, मगर अगर हम बात करते हैं बोरोसिल कैसरोल की तो उसमें अच्छे खासे डिस्काउंट सिस्टम अवेलेबल हैं। तो दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर जाके इसके प्राइस चेकआउट करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा अगर आप इस कैसरोल को लेते हैं तो कैसा परफॉर्मेंस इसका रहा, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस आप जरूर नोटिस करेंगे, क्योंकि मैं एक पर्सनली बोरोसिल भी यूज कर रहा हूँ, मिल्टन भी यूज कर रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग का एक्सपीरियंस जरूर शेयर होना चाहिए इन सब के वीडियोस में। तो जरूर इसका इसको लीजिएगा, इसका वीडियो शेयर करिएगा अगर आप वीडियोग्राफी करते हैं तो, अदरवाइज मुझे लगता है कि अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी अपने एक्सपीरियंस इससे शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, कुछ कुछ ऐसी बातें जो हमें बर्तन लेते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए उसको जरूर मैं पॉइंट आउट करूंगा, और अगर आप लोग को बेहतर करना है अपना किचन अपना होम को और अच्छे यूटेंसिल के साथ, तो वो हम डेली बेसिस पे आपको बेहतर से बेहतर यूटेंसिल लाके देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।